हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग घर पहुँच गए हैं। आज है हमारा फर्स्ट डे घर में, और कल का व्लॉग एंड नहीं कर पाए क्योंकि घर आते के साथ ही इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था सब में, और इतना ज़्यादा थके हुए थे कि हालत सबसे ख़राब था। तो ये और अभी हो रहा है टाइम, दोपहर के 12 बज गए हैं। आशु अंशु नहा वहा के फ्रेश व्रेश हो गए हैं, इनने क्लास भी कर दिया सुबह। इनका क्लास था ऑनलाइन क्लास, है ना। मज़ा आ रहा है घर में, कैसा लग रहा है बताओ। ये लगे हुए हैं अपने कजन्स के साथ खेलने में, भैया और दीदी के साथ। हेलो, ये आयुष भैया, आशु के फेवरेट भैया, है ना आशु। अच्छा कौन फेवरेट है यहाँ पे, बिट्टू दीदी, हनी दीदी, आयुष भैया? आयुष भैया कैसे फट से बोलती है सबसे ज्यादा मजा आता है ना। और आशु क्या क्या किया सुबह से? खेला, खेली तो रहे हो। तो यही है, और अभी शादी का घर है, सब बिजी है काम में, तो मैं कितना वीडियो बना पाऊंगी नहीं बना पाऊंगी पता नहीं, लेकिन जब टाइम मिलेगा, जब कुछ होगा तो शूट करने की कोशिश करूंगी और आपके साथ शेयर करने की। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं, सुबह का सारा जो काम था, नाश्ता वास्ता हो गया, खाना वाना, कपड़ा वपड़ा सारे धुल गए, और इधर बैग्स हमारे रखे हुए हैं, इनको अभी खाली करना बाकी है। ये सब भी काम है, बाकी कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे और गंदे के तो इतने ज़्यादा हो गए थे, हम लोग सबको बहुत ज़्यादा गंदा हो गए थे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, अभी खाना वाना बन गया। सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था और बहुत बिजी थे, बहुत दिनों के बाद आए हैं तो सब सिर्फ बातें करने में, ऊपर से शादी का घर है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है ब्लॉग शूट करने का। तो अभी दोपहर के 1 बजने वाले हैं और मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी जेठानी यानी कि दीदी बना रहे थे और वो अभी कहीं गए कुछ काम से, तो फिर मैं यहाँ पे वो बना रही हूँ। तो ऐसा ही ब्लॉग मिलेगा कि जब टाइम मिलेगा, जब थोड़ा शूट करूँगी और कभी कभी का। तो घर आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 2 दिन गाड़ी में चलते 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 बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी, और फाइनली हम लोग घर सही सलामत अच्छे से पहुँच गए बिना कोई परेशानी का, बिना कोई दिक्कत का, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और आज नहाने वहाए करे के बाद और खाना खाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है। और आज हो गया है 7, 8, 9, 11 की शादी है, 10 को हल्दी है, 11 की शादी है, और उसके बाद 12, 13 को भी फंक्शन होता है, जो पगफेरा वगैरह होता है उसमें भी हमारे यहाँ फंक्शन है। तो 2-3 दिन का फंक्शन है अपने घर में, तो उस टाइम काफ़ी भीड़ रहेगा। मैं शूट तो करूँगी थोड़ा थोड़ा, बट देखिए कब तक शेयर कर पाती हूँ। तो ये और यहाँ पर बन रहा है सूरन की सब्ज़ी, ये सब कुछ दीदी ने ही डाल के गई है, मसाला वगैरह बस मुझे चलाने के लिए बोला गया तो मैं चला रही थी। और सुबह का नाश्ता मैं बनाई थी और दीदी अभी यहाँ पे बना रही है खाना। बस ये सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी है, इसमें बस पानी डाल के पकाना, सारे मसाले वसाले हो गए हैं। और सूरन की सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है, और ये मेरे घर का सूरन है, मेरे घर में काफ़ी बड़ा बागान है और सारी सब्ज़ियाँ घर की होती है। और वीडियो उसको कंटिन्यू देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे खाना बना लेती हूँ। और हमारे यहाँ चावल बहुत पसंद किया जाता है, दोपहर में स्पेशली सब चावल खाते हैं। तो ये सूरन की सब्ज़ी, चावल और घर की मेथी बनी है, मतलब बगान की टूटी हुई मेथी बनी है। और ये टमाटर की चटनी, ये सब टमाटर भी बगान का है और मेथी भी बगान की है, और फिर इसके साथ चावल। और यहाँ पे शुरू कर दिया था हमने शादी की तैयारियाँ। तो यहाँ पे जितने भी हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले थे, लेडीज आने वाली थी, उनके लिए यहाँ पे साड़ियाँ पैक हो रही थी, और उसके साथ ही हम लोग नाम लिख के इसमें उसका एड्रेस के साथ लगा रहे थे स्टिकर, ताकि हम लोग को समझ में आ सके, ताकि शादी के दिन खूब भीड़ होता है तो परेशानी ना हो। तो ये सारे काम लगे हुए थे और काफ़ी सारा था, तो हम लोगों का 3-4 घंटा रात का इसी में चला गया। उसके बाद फिर खाना वाना खा के हम लोग सो गए थे। फिर से बोलो ना, यहाँ झारखंड वाला लैंग्वेज बहुत अच्छा लगा। अच्छा फिर से बोला है। हजारीबाग का सही में समझ जाएगा ना, सब समझ जाएगा, नहीं समझेगा तो समझ जाएंगे। राइट में ना हमारा वाला पेटी है वहाँ पर। क्यों यहाँ रात में चल रहा पबजी? देखिए पबजी प्लेयर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज सेकंड डे यहाँ पे, और कल रात का जो वीडियो था उसको मैं रेगुलर नहीं कर पाई, मतलब बहुत सारा काम था साड़ी वाड़ी का, वो करते करते काफ़ी लेट हो गया था, रात हो गया था, तो फिर मैं उसको एंड नहीं करी। और कल का वीडियो आज के वीडियो में मर्ज कर दूंगी मैं, एक साथ 2 दिन का आएगा। तो यहाँ सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ नाश्ता सुबह में। तो सुबह के नाश्ते में है ये खीर,
और ये गुड़ वाली खीर है, और ये गुड़ जो है बिल्कुल ओरिजिनल प्योर गुड़ इस जो होता है ना वो ये है, इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई मिलावट नहीं, और गांव में ये बहुत ही ईजिली मिल जाता है, और इसको आप कितना साल भी स्टोर करके रखो मतलब बिना फ्रिज का कभी ख़राब नहीं होता है। तो ये खीर बन गया, और खीर जब भी बनाते हैं तो जब थोड़ा ठंडा हो जाता है जब भी गुड़ डालते हैं तो ये फटता नहीं है। तो ये यहाँ मैं खीर बना रही हूँ, और सारे गुड़ को डाल लेते हैं। काफ़ी मीठा होता है और ये बिल्कुल माउथ मेल्टिंग होता है, इसको आप मुँह में डालिएगा ये गुड़ बिल्कुल घुलने वाला है, घुल जाता है। और घर में सुबह सुबह का टाइम है, आप कबीर की वाणी सुन रहे होंगे। तो ये सारा गुड़ गया खीर के अंदर, और ये धीरे धीरे घुलता रहेगा, आप इसको बीच बीच में चला दे, 10 मिनट में सब डिजॉल्व हो जाएगा। इसको यहाँ छोड़ देते हैं, ये इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। और उसके साथ यहाँ बना रही हूँ सब्जी। सब्जी में है आलू और गोभी, गोभी बिल्कुल फ्रेश अपने बगान का, मैं अभी तुरंत तोड़ी और इसको तुरंत बना रही हूँ, लेकिन उस टाइम कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं था तो मैंने दिखाया नहीं जब मैं गोभी तोड़ के लाई। तो यहाँ पे ये हो रहा है, और यहाँ पे बन रहा है चाय। चाय यहाँ पे बहुत लोगों को पसंद नहीं है, तो मैं सिर्फ अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ चाय बन रहा है। तो ये नाश्ता वास्ता बनाने के बाद फिर और भी काम है शादी से रिलेटेड, तो फिर हम लोग वो करेंगे। तो देखते हैं, आंसू अंशु बहुत बिजी हैं, वो बिल्कुल दिखेंगे नहीं आपको। कहाँ है आंसू अंशु? बाहर होंगे, काव उनका, काव और काव की बेबी बहुत ही बगान में, तो वहाँ पर मस्ती कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। खिलाओ खिलाओ खिलाओ, करो इस पे दिए तो फेवरेट। और यहाँ पे शुरू हो गई थी आंसू की डांस की तैयारियाँ शादी के लिए, तो वो लगी थी दीदी और भैया सबके साथ डांस सीखने के लिए। क्या खा रहे हो आंसू? गन्ना आ रहा है खाने के लिए। गन्ना कहाँ मिला? गन्ना अपने बगान में। बगान में है हा? ये है गन्ना का पेड़। और ये क्या है आशु बताओ? कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर इसके अंदर कॉलीफ्लावर भी भरा है। भरा हुआ कॉलीफ्लावर भरा हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारा खेती है, बहुत सारा पेड़, बनाना ट्री, पॉमग्रेनेट है ना, अनार का पेड़, केला का पेड़, इधर लहसुन, इधर भी लगी हुई हैं सब्जियाँ, मिर्ची, सब कुछ मिर्ची भी। और इतना बड़ा हमारा बगान। ये हमारा बड़ा सा कुआं जिसमें से आता है पानी, और यहाँ पे हैं मेरे पापा जी जो काट रहे हैं गन्ना। दादाजी कुछ बोलो ना। दादाजी को भी तुम यूट्यूबर बना दो आशु। मम्मा कुआं को दिखा दो यार। रुको
पापा को खाना है तो पूछ लो, तभी काटेंगे, नहीं खाएंगे तो क्यों। हाँ, जब पूछ के आओ कि पापा आपको गन्ना खाना है, दादाजी काट दें कि नहीं। हाँ, और ये हमारा बहुत लंबा सा बड़ा सा बगान जिसमें है बहुत सारी सब्जियाँ, और ये है तुलसी माता, और ये है हमारा कुआं जिसमें है बहुत सारी मछलियाँ, अभी वो दिखेगा नहीं क्योंकि वो छोटी छोटी है। ये हमारा अमरूद का पेड़ बहुत ही पुराना, लेकिन बहुत अच्छा आता था ना आयुष, अब नहीं आता, कम आता है। दादा काट दिए। खाना है, खाना है। हाँ, और ये यहाँ पे देखिए आलू, यहाँ पे आलू लगा हुआ है जिसका ये हरा हरा पत्ता है, खूब लंबे से जगह पे ये आलू लगा हुआ है। और इसमें है, किसमें क्या है इसमें मुझे, हाँ मटर, मटर। और ये सब है मूली, ये सब मूली है, और ये मटर है जिसमें अभी फूल आ रहा है, ये मटर है। हरा मटर खाने में बहुत मज़ा आता है, मीठा मीठा, बहुत मीठा लगता है तुरंत तोड़ के तुरंत खाने में। और यहाँ पे लगी हुई है गेहूँ, ये पूरी गेहूँ की खेती है यहाँ से लेकर पूरे आगे तक, बहुत लंबा बगान है फ्रेंड्स आगे तक, मैं वहाँ तक नहीं जा रही हूँ अभी, मैं बस मेरा घर यहाँ से ये दिख रहा है पिंक पिंक कलर का वो घर है। इसको छोड़ दो, क्यों परेशान कर रहे हो। अरे वो रोने लगेगी, उसकी मम्मा आके तुम लोग की पिटाई लगाएगी, अभी छोड़ दो। दोस्ती हो गया, ऐसे जबरदस्ती पकड़ के उसको रखे हो और दोस्ती हो गया, वो जाना चाह रही है, नहीं जाना चाह रही, उसको परेशान कर रहे हो आप लोग। आप छोड़ दो अंशु, वहाँ किडनैप कर, देखो 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 भाग गई, ये कैसी दोस्ती है, ये कैसी दोस्ती है। ये देखो एक गन्ना खाना आ नहीं रहा है, कितने सालों बाद हाथ में लगा है गन्ना, परेशान है गन्ना भी परेशान है, इंसान भी परेशान है एक दूसरे से, वो भी सोच रहा है कैसे खा रहे हो, कैसे कैसे ऐसे कटता है, है सामने वाले टीथ से काट रहे हैं इसको, लास्ट का है ना वो फर्स्ट का होगा, तो इतना सारा गन्ना तब से बैठ के खाए जा रहे हैं।